हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षत सैनी व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ और मेरा परिवार भी अच्छा है। फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं गांव, क्योंकि पापा को सुबह सुबह गायों का चारा लाना पड़ता है। और फिर गायों का चारा लाने के बाद उसके बाद हम घर आते हैं। घर आने के बाद पापा जाते हैं ऑफिस। फ्रेंड्स, पापा जी डेली गाँव जाते हैं, क्योंकि चाचू जी का कुछ दिन पहले घुटने का ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर ने चाचू जी को ये भी बोला था कि कोई भारी काम नहीं करना है, तो इसलिए चाचू तो काम नहीं करते, पापा ही करते हैं। पापा घास लेके आ चुके हैं। अभी तो घास में गन्ने ही चल रहे हैं और गन्ने के साथ है भूस, जमी बोई है। इस बार बरसी तो है नहीं। ये हमारी छोटी सी बछड़ी है। ये जो हमारी लाल वाली गाय है, ये 5 मंथ्स की प्रेग्नेंट है। और वो जो उधर है सबसे लास्ट में, वो एक बछड़ी है, वो भी प्रेग्नेंट है। और ये काली वाली तो अभी दूध दे रही है। अब हम जा रहे हैं घर। फ्रेंड्स, हम गांव से निकल चुके हैं और आज मम्मी का जन्मदिन है, तो इसलिए थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है मम्मी के जन्मदिन के लिए। देखो, मम्मी कर रही है अपने बर्थडे की तैयारी। और ये मम्मी का केक है। पहले मम्मी अपनी फ्रेंड्स को बुला रही थी पार्टी के लिए। मम्मी जी, आपकी फ्रेंड्स नहीं आ रही क्या? नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि सभी की तबीयत खराब है और सभी ने बोला कि पार्टी अभी अवॉइड कर दो और कुछ दिन बाद पार्टी कर लेंगे। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, हम बाद में पार्टी कर लेंगे। हाँ, क्योंकि अभी कोरोना का ऐसे ही हिसाब है। ठीक है, अच्छा किया। मैं क्या कर रहे हो अभी? केक कब काटोगे? फिर मुझे ऑफिस भी जाना है यार। तू जाओ, चाय तो बना दूँ। चाय बना रहे? कॉफी? चाय बना। जल्दी करो। राघव तो पहले टेस्ट करने लगा केक को। मैंने नहीं करा। हम्म? तो शर्मा क्यों रहा है? नहीं, तू नहीं किया है। राघव तो शर्मा रहा है ना। क्या बात है राघव? अरे बताओ भाई, इधर को तो आओ। क्या मम्मी को विश किया तुमने? सुबह सुबह कब किया था? सुबह सुबह जब हम हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। अरे सुनाई तो देना चाहिए ना वहाँ पे। चलो फिर स्टार्ट करें। Happy birthday to you.
खाइए केक, बहुत टेस्टी है। केक तो बहुत अच्छा है और देखने में बहुत सुंदर भी है। बाउल वगैरह दे दो भैया के। ये चाय किसकी है? मैंने इधर को दे दिया। आपको दे रही है चाय? ये चम्मच आपका खाना। पुलाव भी ले लो भाई कोई। हम्म, लो भाई कोई पुलाव भी खा लो। हम तो जरूर खाएंगे। खाने की बात अक्सर का भी बर्थडे बन जाता है, राघव का बन जाता है, मम्मी का बन जाता है, पापा ऐसे रहते हैं। तो पापा का बर्थडे तब छुट्टी में आता है जब मम्मी मामा घर होती है। वैसे पापा का बर्थडे तब होता है यार, जिसे मनाना हो ना वो दूर से मना लेता है। फ्रेंड्स, ये मम्मी का गिफ्ट है। चलो इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओपन पहले ही कर दिया था। हाँ, ये तो साड़ी है मम्मी के लिए। पापा ने मम्मी को मम्मी के बर्थडे पे साड़ी गिफ्ट की है। मम्मी का फेवरेट कलर। चलो मैं आपको करीब से दिखाता हूँ साड़ी। मम्मी को गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। गिफ्ट है अच्छा तो अच्छा तो लगेगा। पता नहीं, गिफ्ट देने वाला भी तो अच्छा है। हाँ, क्योंकि 2-3 घंटे लगते हैं वहां से आने के लिए। अभी तो फोन ही आया, अभी तो चलाई हो घर से, तो फिर रात तक ही आएंगे मामा तो, और पापा भी रात को ही आएंगे। आज मम्मी का बर्थडे है तो इसलिए मामा आए हैं मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए, तो चलिए चलते हैं।
रेस्टोरेंट कैसा था? अच्छा था, खाना भी बहुत अच्छा था। अच्छा, थैंक यू। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं खाना खा के, और फ्रेंड्स आज की वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।